नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी गाइडर पर। दोस्तों आज का हमारा जो प्रोडक्ट है वो है इंदुलेखा भृंगा हेयर क्लींजर। दोस्तों ये इंदुलेखा की तरफ से आने वाला शैम्पू है, जो कि इंदुलेखा का एक हेयर ऑयल आता है जो आपने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तो दोस्तों उस पर मैंने रिव्यू पूरा बनाया है, उसको फुल डिटेल में बताया है उस वीडियो में कि उसको आपको कैसे यूज़ करना चाहिए और उसके रिज़ल्ट क्या हैं इसके बारे में भी मैंने बताया है, क्योंकि 3 महीने तक मेरे फैमिली मेंबर ने ही उसे यूज़ किया है। तो वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और लास्ट में स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप इंदुलेखा तेल लगा रहे हैं या इंदुलेखा तेल लगाने में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंदुलेखा हेयर क्लींज़र की। दोस्तों आइए पहले इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हेयर क्लींज़र आपको 100 ml का पैक 135 रुपीज़ में आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो एक बार ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां कोई ना कोई ऑफ़र के तहत आपको ये सस्ता मिल जाता है। तो आगे दोस्तों बात करते हैं इसके स्मेल के बारे में। अगर इसकी स्मेल की बात करें तो स्मेल इसकी थोड़ी सी तेज़ ज़रूर है, मगर ये काफ़ी देर तक आपके बालों में रहती नहीं है। जैसे कि और भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं जिनके स्मेल आपके बालों में या फिर आप जो बॉडी में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत देर तक रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप जब इस्तेमाल करते हैं तभी तक आपको पता लगेगा, थोड़ी देर बाद ये ख़त्म हो जाता है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये इसको यूज़ करने से बाल आपके जो झड़ते हैं वो रुकेंगे कि नहीं, या फिर जो बाल नए निकलेंगे कि नहीं जैसा कंपनी दावा करती है, आइए इसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इंदुलेखा तेल भी मेरे फैमिली मेंबर एक हैं जिन्होंने 3 महीने से यूज़ किया है, तो उन्होंने ही शैम्पू को भी यूज़ किया है साथ ही में। तो दोस्तों ऐसा है कि शैम्पू यूज़ करने से, जैसा कि आप साधारण शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत गिरते हैं भीगे होने के बाद, या नहाने से के वक्त भी बाल बहुत गिरते हैं, कंघी करने के वक्त भी बाल बहुत गिरते हैं। लेकिन जब ये शैम्पू आप यूज़ करते रहते हैं तो आपको ये जो बाल गिरने की समस्या है ये आपको कम देखने को मिलेगी। लगभग 1 महीने में ही आपको ये असर दिखने लगेगा। 2 से 3 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जो गिर रहे हैं, जो झड़ रहे हैं, वो रुक जाते हैं, वो उतना गिरते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं। तो शैम्पू कहीं ना कहीं फ़ायदा तो करता है दोस्तों इस चीज़ में आपको, और मतलब ये मान लीजिए लगभग 80% लोगों को तो फ़ायदा होता ही है शैम्पू से, और कुछ 20% लोग हैं जिनको शैम्पू से या फिर तेल से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी तरह की विटामिन्स की कमी होती है, जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात किया था। तो उन्हें क्या करना चाहिए अगर आप कहेंगे आगे, तो मैं आगे आप लोगों के लिए किसी ने कोई अच्छी विटामिन की कैप्सूल्स या फिर टैबलेट के बारे में भी मैं रिव्यू कर दूंगा। तो अगर वो उसका भी यूज़ करते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। दोस्तों वैसे ये शैम्पू ठीक है अपने में, और आपके बालों से सारा डस्ट भी हटा देता है, जो ऑयलनेस होती है उसको भी हटा देता है। दोस्तों जिनके स्कैल्प ड्राई है वो इस शैम्पू को ना इस्तेमाल करें, अगर उनको इस्तेमाल करना है तो वो फिर रात में ऑयलिंग कर लें, उसके बाद ही इस शैम्पू को इस्तेमाल करें, क्योंकि जिनकी स्कैल्प ड्राई है ये उसे और ड्राई कर देगा, तो उन्हें खुजली की समस्या, ईचिंग देखने को मिलेगी, यानी कि डैंड्रफ की समस्या, ईचिंग, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपके स्कैल्प से ऑयल को पूरी तरह से हटा देता है, डस्ट को हटा देता है। इन चीज़ों में ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। तो बस उन्हीं लोगों को सावधानी रखनी है जिन लोगों का स्कैल्प ऑयली नहीं है, जिन लोगों का स्कैल्प ड्राई रहता है, वो ज़्यादा इस शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। बाकी सभी इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शैम्पू कैसा लगा, और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बी हेल्दी, बी सेफ।